दरवाजा क्या खुला मुझ में, फिर तो हर कोई आ बसा मुझ में। सूफिज्म को दो लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो इससे अच्छा नहीं डिफाइन कर सकते। चुन यकी हा महव शुद्ध आनक तोई, जब इकाइयां महव हो जाती हैं तो जो चीज बचती है वो तुम हो। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक बहुत बढ़िया, सवई न देवा सुर मर्त्य तिर्यन न स्त्री न शंधो न पुमान न जंतु नायम गुणः कर्म न सन न चासन निषेध शेषो जयता दशेषः। वो जो परमेश्वर है वो न देव है न असुर है न मर्त्य है न तिर्यक है, मतलब न पक्षी है न निषेध शेषो, जब सारी चीजें निषिद्ध हो जाती हैं तो जो बाकी बचा रहता है, चुन यकीहा महव शुद्ध, जब इकाइयां महव हो जाती हैं अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ देती हैं, तब जो बचता है वो तुम हो। गुनिजन सभा भारत की प्राचीन कला और परंपरा को उजागर करती एक ऐसी सभा जहां प्रसिद्ध कलाकारों के साथ होती है एक विशेष चर्चा और उजागर होते हैं कलाकारों से जुड़े कई दिलचस्प पहलू। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं उस्ताद इमामुद्दीन खान, डागर इंडियन म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी और द डागर आर्काइव्स, जयपुर। गुनिजन सभा का सदस्य बनने के लिए या और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें शबाना डागर 99 29 87 86 04। क्या चीज करूं तुमको नजर, क्या चीज हमारी है, क्या चीज करूं तुमको नजर, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, सरापा आपने दिल, दिल सरापा आपने, नरापा आपने दिल, नरापा आपने दिल। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तं शुदम तू जा शुदी, ताकत नबोयत पादसी, मन ती गरम को दी गरी सरापा आपने दिल, दिल सरापा आपने दिल, दिल सरापा आपने दिल, दिल सरापा आपने दिल, दिल सरापा आपने दिल, सरापा आपने दिल, सरापा आपने दिल, भूत सब जाए के मन भूतम, सरापा आपने दिल, मोहम्मद शम्मे मैं फिर भूत सब जाए के मन भूतम, मोहम्मद शम्मे मैं फिर भूत सब जाए के मन भूतम, मोहम्मद शम्मे मैं फिर भूत सब जाए के मन भूतम, गुनमी दानम छे मन सरापा आफते आफते दिल भूत शब जाए के मन भूतम, और आपने उसको उसका हल्का जो बनाया वो ये बनाया, दिल सरापा आफते, बीच से निकाल लिया उसको, दिल सरापा आफते। और इसको अगर हम इसका अर्थ लें तो फारसी में, हिंदुस्तानी फारसी में ये होगा कि दिल जो है वो सरापा आफत है। तो एक नया अर्थ जो कि शायद शायद शायर ने भी नहीं सोचा होगा, वो अर्थ की छटा जो है वो कव्वाल हजरात पैदा करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एक तरह से उसका इंटरप्रेटेशन है वो चीज आती है, जैसे कि मैं तुहारी, मैं तुहारी, हाँ मैं तुहारी, मैं तुहारी, मैं तुहारी,
ये जो कौल है ये खत सुलूस के अंदर लिखा हुआ है और इसमें एक रिदम है, ये जो आप देख रहे हैं ना, हमारे ध्रुव भाई ने जो बताया है ये सारा वही है, दूर तक जहां तक वाइब्रेशन जा रही पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया ब्रह्मांड के अंदर, बस कैच करने की पावर होना चाहिए। अगर आपका ये दिल बहुत पावरफुल है तो इसको रिदम को कबूल करेंगे। कौल के असल में दो नुकते तो यही हो जाने चाहिए इसके ऊपर, लेकिन चूंकि एक आर्टिस्ट है, आर्ट वर्क है, तो इसमें इस तरह से काम किया। हम आपकी फीलिंग्स को कैनवास पे उतारते हैं और उतारते आए हैं और उतारते चले गए हैं और आगे भी ये चलता रहेगा सिलसिला। कव्वाली का ये संबंध जो हो रहा है यहाँ पर, इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं कव्वाली सुनता रहा हूँ और कौल सुनता रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है और काम करते वक्त तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कैनवस पे जब हम काम करते हैं तो म्यूजिक जब होता है ना तो वो जो फीलिंग्स आती हैं, जो इमोशंस निकलते हैं, वो पता नहीं कब खो जाते हैं और कितने घंटों घंटों हमें निकल जाते हैं कैनवस पे पेंटिंग्स बनाते बनाते और पता भी नहीं चलता कब पेंटिंग हमारी पूरी हो जाती है। यास्मीन जी ने अभी कुछ आर्ट वर्क फाइनल किया है, हम चाहेंगे कि एक बार वो दिखाएं। ये एक आस्पेक्ट है, देखिए आर्ट जो है इट टेक्स डिवाइन ड्राइव एंड डेरिवेशन फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी। हाउ डज इट लुक लाइक, वो ये है। ये है कलाओं का संगम। मैं उसमें बिल्कुल खो गई थी और जो सुन रही थी वो बन रहा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कव्वाली के तीन शर्तें बताई थी। एक जो है वो है इखवान, इख का अर्थ होता है भाई, तो इखवान का अर्थ हुआ कि कव्वाली वैसे लोगों के बीच हो जो हम ख्याल हों। दूसरा उन्होंने दूसरी शर्त उन्होंने बताई मकान कि कव्वाली वैसी जगह पे हो जहाँ जो साफ सुथरी हो, और तीसरी जमान कि मुनासिब वक्त हो। जो कव्वाली है वो जिक्र का एक तरीका है और जिक्र इतना इम्पोर्टेंट है कि कुरान शरीफ में खुदा फरमाता है कि उस्कुरुनी फस्कुरुकुम, तुम फस्कुरुनी उस्कुरुकुम अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो ताकि मैं तुम्हें याद करूं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अस्तित्व वस्तुतः एक है, उसमें एक तार अगर आप छोड़ेंगे छेड़ेंगे और उसका एक सिरा छेड़ेंगे तो बाकी सारे सिरे अपने आप छिड़ जाएंगे, उसमें आवाज़ें आने लगेंगी। तो लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें शिद्दत होनी चाहिए। तो उस शिद्दत के लिए, उस जिक्र में शिद्दत लाने के लिए आप देखेंगे कव्वाली में जितनी चीज़ें होती हैं, तकरार होती है या गिरह होती है, वो इसीलिए होती है कि ईश्वर की जो याद है वो शदीद बने। हे गंगे सरल बहो, गंगे सरल बहो, ए तू अब राख रे, घटी में गंगा घटी में यमुना, फिर तू क्यों व्याकुल फिर रहे? आपके अंदर ही गंगा यमुना है, फिर क्यों व्याकुल फिर रहे? ये अभी नहीं लिखा है, बहुत पहले लिख के। हाय हाय हाय, क्या बात है भैया। तो ये पता नहीं क्या क्या लिख के चले गए हैं, और जब भी पढ़ा जाता है हमेशा नया लगता है और नित नया है, नित नया है। और जितनी बार आप दोहराएंगे आपकी जो दिल की कैफियत होगी और आपकी जो दिमाग की कैफियत होगी, आपकी जो रूह की कैफियत होगी, उसी हिसाब से आप अल्फाज को समझेंगे और अल्फाज को समझ के आप उसको निभाने की कोशिश करेंगे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे गीता हो। जितनी बार आप देखते हैं आप परेशान होते हैं, विचलित होते हैं आप, और आप किताब खोलते हैं और आपको जवाब मिल जाता है। सुकून जवाब मिल जाता है, सुकून भी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि उसने कुछ भी सीधा नहीं लिखा, उन किताबों में किसी कुछ भी डायरेक्ट नहीं लिखा,
इसलिए आप अपनी मन की अवस्था से जब उसको पढ़ते हैं उसी तरीके से आप जवाब यही हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के मैथिली कंपोजिशन मिलती है जो कभी रहीम के नाम से है कभी इनका है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है हिंदू बचा ई जय जब हुस्न धरे छे बरबख्त सुखन गुफ्तन मुख फूल झरे छे गुफ्तन जे लवे लाली की यक बोसा बगी रम गुफ्ता की अरे राम तुर्क काय करे छे तो ये क्या बात है ये मैथिली एक लाइन मैथिली और एक लाइन पर्शियन में रहीम का भी कहते हैं संसार हर को पूजे कुल को जगत सराहे मक्के में कोई ढूंढे काशी में कोई जाए गुइया में अपने पी की पैया पढ़ू न गाए हर कौम रास्त राहे दीने वाकिब लगाए मन के बला रास्त कर दम बरसंत कच कुलाए। सबसे पहले तो हमारी दिली मुबारकबाद जनाब शबाना के लिए कि उन्होंने ऐसी हसीन महफिल सजाई। इसने कल्ब को गर्मा दिया और रूह को तड़पा दिया। पूरा सौर मंडल कुतुब तारे पे चारों तरफ घूमता है तो ध्रुव के चारों तरफ आज हम घूमे। और बलराम जी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मुझे आप अपना शागिर्द बना दीजिए। और यास्मीन साहिबा कहाँ गई? उन्होंने भी एक गजल लिखी है कैनवास पर। मैं अल्फाजों में अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता लिहाजा मा सलामा शब बखैर। गुनीजन सभा का सदस्य बनने के लिए या और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें शबाना डागर 9929786604।